एक्सपोर्टल आपका स्कूल में हार्दिक अभिनंदन है। इन द कराकोरम लाइक सियाचिन ग्लेशियर, द लार्जेस्ट एंड फाइनली बैटल ग्राउंड where the armies of India honor at Indian Army Siachen Base Camp meets quarters icy heights that lands a story of epic proportions. Honorary Captain Bana Operation Rajiv. Honorary Captain Bana Singh set an example in high altitude. Country's highest ranking gallantry award for conspicuous bravery. His men launched a brilliant attack to clear the post of every single infiltrator. With utter disregard to their personal safety, Honorary Captain Bana Singh and his men charged to the fire zone, firing and lobbing grenades, using hand-to-hand combat they wanted the enemy outside their boundaries. All Indians are and will always be grateful to brave war hero. सर, जिस तरह से आज आर्मी की वेलफेयर के लिए जो बच्चों के लिए जो आप पार्क का उद्घाटन किया, क्या क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? वो तो पहले मैंने बता दी तो बहुत ही अच्छा है, ये इंस्पिरेशन है और बच्चों को भी पता चलेगा कि हमारे यहाँ हमारे बीच में हमारी फौज को भी पता चलेगा। चलो फौज को तो नॉलेज है ही है कि परमवीर चक्र क्या है, मगर क्या है कि ये यहाँ आने से बच्चों से इंट्रोडक्शन करने से थोड़ा काफ़ी फ़र्क पड़ता है और काफ़ी बच्चे ये भी सोचेंगे, घर में जाकर डिस्कस करेंगे हम आज परमवीर चक्र से मिले हैं, तो वो ये मैसेज और आ गया। सर, नौजवानों को क्या प्रेरित करेंगे ये आर्मी में जाने के लिए? आप नहीं, हम तो चाहते हैं फिजिकली आप फिट रहो, रिस्ट सब कुछ अपने आप को मेंटेन करें। देखो, मैं एक भी बात कहना चाहता हूँ, आज तो परिवार में एक एक बेटा है, वो काम करके राजी नहीं है, नौकरी चाहते हैं। वो बेड पर नौकरी मिल जाए तो बहुत खुश है, मगर क्या है कि जब देश के बारे में नॉलेज ही नहीं है, अभी आप बोल रहे थे उन लोगों को कुछ पता नहीं है, उन जवानों को कुछ पता नहीं है, उनको अगर वो स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको बताना चाहिए। जो अभी प्रोग्राम चला थोड़ा सा, मगर अगर चलेगा सब लोगों को पता चलेगा तो भाई ये इस बनस के बारे में। और ये भी मैं कह देना चाहता हूँ, एक फिल्म भी बनकर आएगी विद इन मंथ, जो कि सब लोगों को पता चलेगा कि आर्मी ने क्या किया, उस सब आर्मी का। बहुत बहुत शुक्रिया।